अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केक बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप दूध लिया है, आधा कप कैस्टर शुगर, आधा कप मैदा, एक कप कंपाउंड चॉकलेट, एक पिंच नमक, दो से तीन टेबलस्पून मक्खन, कोको पाउडर दो टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं सारी चॉकलेट डाल दूंगी। अब मैंने दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। इसके अंदर दूध जो है मैं गरम यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, ये मिक्स हो चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि इस मिक्सचर को हाफ जो है मैं एक कप में कन्वर्ट कर दूँगी और हाफ जो है इसे मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें व्यूवर्स, दोनों को मैंने हाफ ऑफ कर लिया है। अब मैं ये वाला बाउल जो है मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी और इसे मैं साइड पर रख लूँगी। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं मैदा ऐड करूँगी, शुगर ऐड करूँगी, नमक, वनीला एसेंस, मक्खन, बेकिंग पाउडर, और ये चॉकलेट जो बचाई थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँ। इसे मिक्स करूंगी। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, देन मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी। आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। देन मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूंगी। अब इसमें दूध ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी।
व्यूवर्स, बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरीके से बॉल में डालकर भी इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के मोल बनाए, ये मैंने घर बनाए। एल्यूमिनियम पेपर लेकर उसे मैंने ग्लास के ऊपर कवर किया था, उसके बाद मैंने ग्लास को निकाल लिया तो इस तरह से शेप बन गई इसकी। मिक्सचर डालने से पहले सबसे पहले मैं इसे ग्रीस करूँगी। अब मैं इसके अंदर हाफ केक का बैटर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर जो चॉकलेट हमने फ्रिज में रखी थी वो निकाल के इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और केक का बैटर डालूंगी। अब इसे बेक करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसे को मैंने 5 से 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये रखूंगी। ये दोनों इस तरह से मैंने रख दिए। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करूंगी। ये देखें व्यूवर्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं, ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये लुक वाइज कितना डिलीशियस लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।